नमस्कार, कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं GSTR 9C कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, अगर नहीं किए तो क्या क्या इसके परिणाम। आइए शॉर्ट में 4 मिनट लगा के हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो GSTR 9 और 9C का जो कॉन्सेप्ट है, पहले होता क्या है उसको देखते हैं एक बार। देखिए, GSTR 9 जो है आपका एनुअल रिटर्न है, और जबकि GSTR 9C जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। एनुअल रिटर्न नाम से ही जाहिर है कि ये साल में एक बार फाइल होता है, इनको फाइल करना है। पर इसको हम ध्यान से देखें, GSTR 9 जो है और 9C, इन लोगों को फाइल करना है। सबसे पहले GSTR 9 फाइल करने की जो लाइबिलिटी आएगी, ऐसे SSC जिनका टर्नओवर 2 करोड़ एक्सीड कर गया है, उनको GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है। अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो उनकी इच्छा है वो फाइल करें या ना करें। लेकिन अगर आपके बुक्स में कोई एरर रह गया है GSTR 1 और 3 भी फाइल करते समय, तो रिक्वेस्ट है कि आप GSTR 9 को जरूर फाइल। बात करते हैं हम GSTR 9C की, तो GSTR 9C किसको फाइल करना है। अगर SSC का टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर गया है, तब तो GSTR 9C मैंडेटरी है फाइल करना, राइट। चलिए अब GSTR 9 और 9C हम किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बात कर रहे हैं। ये सारे जो लिमिट आपको डिस्कस किया गया, वो लिमिट था फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अगर हम GSTR 9 और 9C की बात करें, तो जो डेट बढ़ बढ़ के जो आई है वो भी 28 फरवरी 2022, टुडे 18 फरवरी 2022 है, और आपका लास्ट डेट जो जा रहा है GSTR 9 और 9C का, वो है 28 फरवरी 2000। पीछे का टॉपिक डिस्कस किया गया, अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है 9 जाएगा, 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है आपका 9C जाएगा। 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, लेकिन अगर R1 और 3B में कोई एरर रह गया है, उसको सुधारने का मौका GSTR 9 के थ्रू वो भी है, वो आप कर सकते हैं, राइट। तो अगर बात करें हम, अगर फाइल नहीं हो पाया तो क्या होगा। अगर आपका GSTR 9 और 9C फाइल नहीं हो पाया, तो आपको ₹200 पर डे का लेट फीस जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ डिपार्टमेंट आपके ऊपर 50,000 तक का मैक्सिमम पेनल्टी भी लगा सकती है। तो ध्यान से आपको GSTR 9 और 9C दोनों फाइल करने हैं, राइट। अगर नहीं फाइल करेंगे तो ये सारे आपके परिणाम हो सकते हैं। ये भी आपको डिस्कस कर दिया गया कि किन किन परिस्थितियों में फाइल करना है GSTR 9 और 9C। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, GSTR 9 जाएगा। टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, GSTR 9C जाएगा। कैसे फाइल करेंगे, आप खुद से कर सकते हो। बेस्ट रहेगा आप प्रोफेशनल का मदद जरूर लें, आपके जो भी GST का काम देखते हैं उनसे संपर्क करें, बात करें, और जो भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना है, जाने। सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर यह है कि आपको GSTR 9C जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन पे जाएगा, यानी कि आपका इस बार का GSTR 9C जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेशन के बिना ही जाएगा। थोड़ा सा बर्डन और थोप दिया गया है करदाताओं पे, अगर उसके बाद भी कोई गलतियां होती है, क्योंकि मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आप जो फाइल कर रहे हो और आपको ही डिक्लेयर करना है कि GSTR 9 में जो मैंने डिटेल डाला है वो करेक्ट है, उसी को फाइनल डेटा मानेगी डिपार्टमेंट, और उसमें कोई गलतियां फर्दर पाई जाती है, SSC पे पेनल्टी लग सकती। तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आपको GSTR 9 9C 28 फरवरी 2022 से पहले पहले फाइल कर। अच्छा लगा वीडियो, बॉक्स में लिख बताइएगा, अच्छा लगा होगा कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते कुछ ऐसे अपडेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।